नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केरल देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम या हाईटेक लैब हैं। खुद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस बात की जानकारी दी है। राज्य सरकार के हाईटेक क्लासरूम स्कीम के तहत प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक के 16,027 स्कूल 3.74 लाख डिजिटल गैजेट से लैस हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि एलडीएफ सरकार की इस प्रमुख परियोजना के हिस्से के रूप में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उच्च तकनीक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और हाईस्कूल और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 40,000 कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में बदल दिया गया है। 12,678 स्कूलों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा को काफी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार शिक्षा देने में विशेष रुचि ले रही है और उसने हमारी भावी पीढ़ी के लिए शिक्षा का केरल मॉडल दुनिया के सामने पेश किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल की सभी छात्र अपनी पढ़ाई के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए डिजिटल सुविधाओं को सुनिश्चित करने की परिकल्पना की है और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है ताकि वो किसी भी उच्च विद्यालय में उन लोगों के बराबर हों। सीएम पिनराई विजयन ने बताया कि राज्य की सार्वजनिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने में सरकार ने लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की है। 3 स्तरीय स्थानीय निकायों को सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने का काम सौंपा गया है। बंद होने के कगार पर आए कई सरकारी स्कूलों को पुनर्जीवित किया गया है। केरल के स्कूलों में अब विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं और इस शैक्षणिक क्षेत्र में भी बदलाव आया है। आपको बता दें, मिशन के तहत 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की कुल 42,000 कक्षाओं को लैपटॉप प्रोजेक्टर और स्क्रीन से सुसज्जित किया गया है और स्कूलों में स्टूडियो बनाए गए हैं। एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में बताया गया कि ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में कम से कम एक स्मार्ट कक्षा और कंप्यूटर लैब हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।